अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आपकी टाइमिंग बिल्कुल जीरो है, इच्छा उमंग आपको होती ही नहीं है, पार्टनर के आगे आप शर्मिंदा हैं, जैसे ही आप पार्टनर के साथ रोमांस करते हैं, रोमांस करते करते फारिग हो जाते हैं, या आपकी मर्जी खारिज हो जाती है, या आपका पेनिस ढीला हो जाता है, आपका पार्टनर चिड़चिड़ापन महसूस करता है, आप अपने पार्टनर से इतनी दूरी बनाए रखते हो कि आपके दरमियान में ना इत्तेफाकियां बहती जा रही, तो उन ना इत्तेफाकियों को आप इत्तेफाक में कैसे बदलें, इत्तेहाद में कैसे बदलें, और आप अपने पार्टनर को हार्ड संभोग करके संतुष्ट कैसे करें, और आपके पार्टनर को खुशी के साथ आपके बिस्तर में टाइमिंग अच्छी खासी कैसे मिलेगी, वही सारी बातें कर दी जाए। तो कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बहुत आसान है। और एक बात मैं आपको पहले यहाँ पर ये बता दूँ, बहुत से लोग हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके परेशान हैं कि हकीम जी, हमको कॉल करते हुए 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हम बराबर व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। तो बात होना कोई मुश्किल नहीं है, बात हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ज़रूरी यह है कि अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को 10 मिनट पर 20 मिनट पर व्हाट्सअप करते रहें, क्योंकि जो करंटली व्हाट्सअप होते हैं मेरे यहाँ पे वही सीन किए जाते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप बराबर घंटा डेढ़ घंटा कॉल लगाते रहें। अगर आप इतनी कोशिश करोगे, इतनी जिद्दोजहद करोगे, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी बहुत जल्द आपकी बात मेरे साथ इंशाल्लाह हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अब नुस्खे के बारे में कि नुस्खा किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, वही सारी बातें कर ली जाएं। तो सबसे पहले आपको लेना है नैनी घी। नैनी घी आप भैंस का ले लें या गाय का ले लें, इसको लोनी भी बोलते हैं, यानी वो घी जिसको आपने गर्म करके फिल्टर ना किया हो, छाना ना हो, यानी आपने उसको दूध के अंदर से निकाला, यानी मक्खन जिसको बोलते हैं या लोनी बोलते हैं या नैनी घी बोलते हैं, वो आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आप ले लें और आपने इस 50 ग्राम मक्खन के अंदर, इस 50 ग्राम लोनी के अंदर, नैनी घी के अंदर आपने 2 ग्राम यानी 2 ml अदरक का रस शामिल करना है। अदरक का रस आप शामिल कर लें और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब इसको आप रात को सोते वक्त खाएं, अच्छे से आप इसको खाएं, और खाने के बाद में आप गुनगुना ऊपर से दूध पी लें, दूध पी लें, और इस फार्मूले को आप मुकम्मल फायदे के लिए मिनिमम 21 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप नामर्द भी हैं तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से केवल 21 दिन के अंदर अंदर मर्द बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।